हे सपोर्टर्स, स्टैंड फॉर्मर इज हियर। भाइयों, आज कुछ तो तड़कती भड़कती खबर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जहाँ मैं आज आपको बताऊंगा डेडपूल 3 मूवी की रिलीज डेट एंड शांग-ची 2 मूवी की रिलीज डेट। सुन गई ना एक्साइटमेंट बढ़ गई ना? चलिए और एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। एंड नाउ इट आर शाइनिंग कीम द टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। जैसे कि मेरी तरह लाखों करोड़ों फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिज्नी एक्सपो में केविन फाइगी अपने केविन फाइगी डेडपूल 3 मूवी को अनाउंस करेंगे, जिसपे लिटरली हर कोई बिलीव कर रहा था कि डिज्नी एक्सपो में तो केविन फाइगी अनाउंस ही कर देंगे डेडपूल 3 को। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जहां दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, उफ ये दुख दर्द। बट इन डीप हर एक डेडपूल फैंस जानता है कि डेडपूल 3 डेफिनेटली आएगी, बिकॉज डेडपूल 3 मूवी के राइटर डायरेक्टर तो कंफर्म है। इवन रायन रेनॉल्ड्स ने ये खुद कंफर्म करा है, डोंट वरी गाइस, डेडपूल 3 मूवी डेफिनेटली आएगी। जहां बस यही सवाल निकल कर आता, आएगी तो कब आएगी, और अब इसका भी जवाब थोड़ा बहुत हमें मिल गया है। एंड जैसा कि केविन फाइगी ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में फेज 6 भी अनाउंस कर दिया था, जहां फेज 6 में हमें फैंटास्टिक फोर, अवेंजर कैंग डायनेस्टी एंड अवेंजर सीक्रेट वॉर जैसी कमाल की मूवियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही फेज 6 के काफी सारे स्लॉट भी कंफर्म कर दिए गए थे, जिन स्लॉट में बस उन मूवी की रिलीज डेट थी और उन मूवी का कोई नाम मुंह निशान नहीं था। इट्स मीन फेज 6 के जो अनटाइटल्ड मूवी स्लॉट है, जिन स्लॉट में सिर्फ रिलीज डेट दे रखी है, उन स्लॉट को डेफिनेटली मार्वल स्टूडियो फ्यूचर में तो फिल करेगा ही। एंड हाल ही में हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट शेयर करी है कि मार्वल स्टूडियो ने अपना एक अनटाइटल्ड रिलीज डेट स्लॉट आगे बढ़ा दिया है। जहां वो पहले स्लॉट था 16 सितंबर 2024 को वो अनटाइटल्ड मूवी रिलीज होती, अब वो आगे बढ़ के 6 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। एंड इस चेंज से पहले फैंस कंसीडर कर रहे थे कि 16 फेब 2024 के स्लॉट में वो जो अनटाइटल्ड मूवी है उस स्लॉट में डेडपूल 3 मूवी रिलीज होती, बट अब इस स्लॉट को आगे बढ़ा के 6 सितंबर 2024 को कर दिया है। जहां फैंस गेस कर रहे हैं कि डेडपूल 3 6 सितंबर 2024 को रिलीज होगी फेज 6 में। और ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। मार्वल स्टूडियो हमेशा ऐसा करता है कि मूवी का टाइटल रिलीज ना करने से पहले वो मूवी के जो रिलीज स्लॉट होते हैं उनको रिलीज कर देता है, और ऐसा हमें देखने को मिला था फेज 5 में, जहां सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट से पहले फेज 5 के जो काफी सारे रिलीज डेट थे वो पहले ही रिवील हो गए थे, एंड उन स्लॉट को फुलफिल करा गया सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में। एंड नाउ ऐसे ही हमारे पास फेज 6 के काफी सारे स्लॉट हैं, जिन स्लॉट में कोई मूवी का टाइटल नहीं दिया गया है बट हमारे पास रिलीज डेट है, जहां उन स्लॉट में कोई ना कोई सी मूवी तो जरूर रिलीज होगी। और अब फैंस कंसीडर कर रहे हैं कि 6 सितंबर 2024 के स्लॉट में डेडपूल 3 मूवी रिलीज होगी। एंड इस अपडेट को डी डायरेक्ट एंड अदर ट्रस्टेड वेबसाइट ने भी कवर करा है। एंड साथ ही में डेडपूल 3 मूवी इस टाइम अपने प्रोडक्शन से गुजर रही है, एंड रायन रेनॉल्ड्स राइटर के साथ मिलकर डेडपूल 3 मूवी की स्टोरी काफी टाइम से लिख रहे हैं, जहां ये भी रूमर्स निकल कर आए हैं कि डेडपूल 3 मूवी की शूटिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। जहां अगर ऐसा होता है तो 6 सितंबर 2024 रिलीज डेट डेडपूल 3 मूवी के लिए परफेक्ट रहेगी, जहां डेडपूल फैंस को अब भी थोड़ा और वेट करना है। हां, अभी ये रिलीज डेट कोई ऑफिशियल नहीं है, बट आंकड़े तो यही बता रहे हैं। आई होप डेडपूल 3 मूवी की भी रिलीज डेट फ्यूचर में कंफर्म हो जाए या नेक्स्ट ईयर सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में केविन फाइगी कर दें। आई होप जब ही करेंगे। एंड लेट्स मूविंग ऑन टू शांग-ची 2। भाई, इस बात में भी कोई शक नहीं कि शांग-ची 2 मूवी डेफिनेटली आएगी, जो ऑलरेडी मार्वल की तरफ से कंफर्म है। एंड साथ ही में जो शांग-ची का रोल प्ले करते हैं सैमुअल, उन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि शांग-ची 2 मूवी से पहले वो एमसीयू के डिफरेंट प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। और अभी हाल ही में रिपोर्ट निकल कर आई है कि शांग-ची की जो रिंग्स हैं एंड साथ ही में कमाला खान के जो बैंगल्स हैं, ये मल्टीवर्स सागा में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर सागा में इन्फिनिटी स्टोन ने रोल प्ले करा था। आई मीन इन्फिनिटी वॉर जैसा तो रोल नहीं, बट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मल्टीवर्स सागा में। बट ये रिपोर्ट तो फिलहाल रूमर के तौर पर ही निकल कर आई है, इस पे ज्यादा बिलीव करना भी थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। एंड साथ ही में ये भी रिपोर्ट निकल कर आई है कि शांग-ची मल्टीवर्स सागा में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आई मीन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे। और अब रूमर्स निकल कर आए हैं कि शांग-ची 2 मूवी 14 फेब 2025 को रिलीज होगी, जस्ट अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी से पहले। एंड ये रूमर्स लिटरली काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां इन रूमर्स को दी डायरेक्ट स्क्रीन रेंट कॉस्मिक वंडर ने भी कवर करे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, शांग-ची कैरेक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मल्टीवर्स सागा में। एंड इसी वजह से कहा जा रहा है कि शांग-ची 2 मूवी भी एक काफी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है मल्टीवर्स सागा में, जो मूवी अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी से
पहले रिलीज होगी, बट ये सब अभी दावे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जहां कहा जा रहा है कि शांग-ची 2 मूवी 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी, और इवन के अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि डस्टिन डेनियल ही शांग-ची 2 मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ, डस्टिन डेनियल ने पार्ट 1 तो डायरेक्ट करा था, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि डस्टिन डेनियल शांग-ची 2 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न आएंगे। और साथ ही में ऐसा मुश्किल भी लग रहा है कि डस्टिन डेनियल शांग-ची 2 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न नहीं आएंगे, बिकॉज डस्टिन डेनियल अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी को डायरेक्ट करेंगे एंड साथ ही में डस्टिन डेनियल वंडरमैन सीरीज को भी डायरेक्ट करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए डस्टिन डेनियल इन 3 सालों में लिटरली काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं, एंड इसी वजह से लग रहा है कि शायद डस्टिन डेनियल को शांग-ची 2 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए टाइम ना मिल पाए। सो मे बी शांग-ची 2 मूवी को कोई और अदर डायरेक्टर डायरेक्ट करे, वो तो खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा, कितनी आगे ये मुझे भी नहीं पता, बट जो जो फिलहाल पता है वो सब मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, अगर आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।